So, welcome back to your own Unacademy Foundation channel. और yes. हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Yes, absolutely. Instead, रास्ता भटक गया लग रहा है. So guys, let me tell you something. So the session is about the IITian dream. Yeah, and this session is going to be an amazing session for you because we know आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? Because you guys are targeting the next big goal. That is the IITian dream, right? चलिए. Before we get started, let me make it absolutely clear कि IIT crack करना सबसे मतलब सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है. बिल्कुल. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इंस्टेड मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, आई मीन जिनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है या टैलेंट बहुत ज़्यादा है या रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो शायद IIT से नहीं थे. बिल्कुल नहीं. बट उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी. देखो, IITian होने का फ़ायदा बताता हूँ, नुकसान कोई नहीं है. फ़ायदा क्या है अब मैं बताता हूँ. फ़ायदा यह है कि एक इमेज बन जाती है. मतलब आज भी आप सुनोगे कि यार उसने IIT क्रैक किया था, इसका दिमाग बहुत तेज़ होगा. बट यार ऐसा नहीं होता कि आप इसको जस्टिफाई कर दो. क्योंकि अगर आप देखोगे वर्ल्ड के सारे बेस्ट लोग IIT से कितने से हैं. मतलब देयर आर सो मेनी प्रोफेशन. हाँ, देयर आर सो मेनी प्रोफेशन, देयर आर सो मेनी ब्रिलियंट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. यस. एंड इंटेलिजेंस को किसी एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग डिफाइन करना, हाँ, इज बस रियली बैड. बस एक चीज हो सकता है कि इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है. इंस्टेड अगर आप देखिए, वन थिंग पहले शेयर कर लीजिए जल्दी से जल्दी. बाकी जो भी सो गए हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको बोलो भाई आ जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि यार काम की चीज है. राइट. जल्दी जल्दी शेयर, लाइक क्विकली. ठीक है. तो यार लेट्स बिगिन विद दिस थिंग. एंड देन दिस इज फॉर नॉट जस्ट फॉर IIT बट फॉर एनी कॉलेज आउट देयर. मतलब इवन US में अगर कोई लेट्स से फ्रॉम स्टैनफर्ड है या फ्रॉम हार्वर्ड है, मतलब जरूरी नहीं होता MIT से है, इट डजंट रियली बेंचमार्क दैट पर्सन इज एक्सीलेंट और द बेस्ट इन समथिंग. इंस्टेड व्हाट डज इट रियली टेक टू बी द बेस्ट इन समथिंग. तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यार when we tell you about the IITian dream, we'll tell you exactly what it takes to crack IIT and yes. what this dream is. Aur ye dream na ek jane ki nahi hoti hai. This is a dream of probably 30 yes. lakh students yes. at any moment of time, hai na. Matlab jo obviously iske liye prepare kar rahe hain, ye to wo 30 lakh hai jo 10 lakh har saal dete hain, versus jo already 5वीं 6वीं. और अभी आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 9th और 10th में जो ये सोच रहे होंगे कि IIT क्रैक करना चाहिए. और व्हाट इज द राइट टाइम, ये आज हम बताने वाले हैं. साथ साथ में गाइस ये भी मेंशन करना है कि आप जो हर एक जो लाइव ऑडियंस है हमारी, आप लोग किस क्लास में हैं अभी और आपका ड्रीम क्या है, जल्दी से बताइए लाइव चैट पे, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि हमारी ऑडियंस क्या प्लान लेके बैठी है. यस. राइट. चलिए. ओके. तो बात करते हैं. यस, IIT और सक्सेस, आर दे टू डिफरेंट थिंग्स? क्या इनमें कोई रिलेशन है? देखिए, IIT होना मतलब IIT में सेलेक्ट हो जाना, IITian होना, यस इट इज अ बिग थिंग. इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग टू गेट सेलेक्टेड इन दोज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. राइट. बट स्टिल सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द प्रीमियर इंस्टीट्यूट. एग्जैक्टली. मौका मिलता है. इट गेट गिव्स यू प्लेटफॉर्म. IIT खाली आपको मौका देगा और मौके के बाद सक्सेसफुल तो आपको ही होना पड़ेगा ना. अब देखो यार, एक बहुत ही महान व्यक्ति ने, मतलब जो हमारे टीचर हुआ करते थे, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी चीज बोली थी, और वो ये थी कि यार IITian होने से एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, बट उसके बाद इट डजंट हेल्प यू. सो IIT कैन प्रॉब्ली हेल्प यू इन योर फर्स्ट जॉब और योर सेकंड जॉब, बट नॉट बियॉन्ड दैट. उसके बाद तो आपको अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा. यू रिटेन दैट जॉब. यस, इसके लिए काम करना पड़ता है. और उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपको सक्सेस मिलता रहा ना, सक्सेस, कभी भी ईगो को मत आने देना. बी वेरी हम्बल एट टाइम्स. देखो, जब भी आप फेल करते हो, फेलियर ऑलवेज मेक्स यू हम्बल. कीप दैट हम्बल नेचर ऑल थ्रू आउट द टाइम्स दैट यू गेन सक्सेस. रिवॉर्ड योर सेल्फ. और यार ये दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना. IIT और सक्सेस सेम चीजें नहीं होती हैं. सक्सेस काफी डिफरेंट होता है. सक्सेस का पाथ भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है देन जस्ट क्रैकिंग IIT. मैं आपको ये भी बता सकता हूं. और आज हम उन तमाम सक्सेसफुल लोगों की बात करेंगे जो शायद IITian थे ही नहीं, और उनसे आपको ये समझ में आएगा कि यार इट्स नॉट नेसेसरी टू क्रैक IIT. कितने सारे बच्चे सुसाइड कर देते हैं सर, बच्चे जिनका IIT क्रैक नहीं होता या प्रेशर yes. होता है, ड्रॉप करते हैं. तो यार कोई भी ड्रीम cannot be bigger than life. Yes, nothing can seriously be. Because life is the ultimate thing.
ठीक है, कोई भी ड्रीम, कोई भी टारगेट, कोई भी गोल, कुछ भी बेटा जिंदगी से बड़ा नहीं है. लाइफ इज, जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं आप रियलाइज करते हो वो चीजें जो आपको बचपन में लगेगी शायद पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट थी, यार ये नहीं मिलेगा मुझे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी. एज यू मूव अहेड इन द लैडर, राइट, मूव हायर इन द लैडर उम्र में, तो आपको देखते हैं यार लाइफ में इतनी सारी चीजें, इतनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं. मतलब यार क्या सोचते थे हम उस जमाने में, राइट, वो होता है, हमने भी वो फेस देखा हुआ है, ठीक है. तो जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, तो उसको रिस्पेक्ट करो, उसको वैल्यू करो, और पूरे पैशन के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल्स को टारगेट करो, उसके पीछे भागो, एफर्ट लगाओ, एंड वो मिले ना मिले उसकी चिंता मत करो. कीप योर आईज on the biscuit, right? Yes, you gotta risk it to get a biscuit. Yes, absolutely. तो यार ये बहुत ज़्यादा important है कि यार have a laser sharp focus, उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, किसी और चीज को मत देखने लग जाना भाई. अपने उसको देखो, मतलब yes. ये नहीं कि भाई मेरा मेरा एम वो लड़की है या वो लड़का है, ऐसा भी करते हैं लोग भाई. नमो सर ने डिफाइन कर दिया कि वो किस किस गोल की बात कर रहे थे. सो डेफिनेटली बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, और हर चीज का एक सही समय होता है, और जैसे अभी आपका सही समय यह है कि आप अपने करियर को बनाओ, क्योंकि अगर आपने करियर बना लिया ना तो यार एवरीथिंग विल बी आफ्टर यू. आप हर आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, चीज़ें आपके पीछे भागेंगी. अगर आपको पता है आज भी ना मैट्रिमोनियल की कभी पेज खोल लेना, टीयर टू सिटी में लिखा होगा नीडेड एन IITian ब्राइड, नीडेड एन IITian ग्रूम, मतलब इतने सारे ये होते हैं. सो बोला नहीं कभी. Yeah, but again, just think about it. मतलब society में एक इस तरह का हो चुका है impression, that is very very wrong, के judging people based on their qualifications, based on their like what they have done in the past. But तो एक image बन जाती है, तो यार थोड़ा बहुत तो है. Exactly, इस चीज को समझो, ये एक image बन जाती है. और यार देखो IIT को crack करना एक अच्छा सपना है, बट IIT के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, IIT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, एंड देन ऑब्वियसली सक्सेस इज एन आउटकम बियॉन्ड दैट. तो यार अभी देखो नाइन्थ, कितनी बार मैं बोलता हूँ कि नाइन्थ और टेंथ में जब बच्चे ऑलरेडी IIT के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं, बच्चे हमारे साथ आज नाइन्थ वाले ही हैं. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, मैंने कितनी बार, अगर आपने JEE Live Delhi में लेक्चर्स देखे होंगे तो मैं बताता हूँ ना, जब हम प्लस पढ़ते हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ, कि नाइन्थ और टेंथ में अगर बच्चे 11th और 12th का JEE का सिलेबस करना स्टार्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक्सेल करोगे इसमें. अगर आप 10% नंबर भी ला रहे हो, 20% नंबर भी ला रहे हो, आपको पता है कट ऑफ कितना होता है IIT का कट ऑफ लगभग इतना होता है, देख लेना किसी भी साल में, इट इज फ्लक्चुएटिंग अराउंड दिस नंबर 37% के बीच में रहता है, मतलब हाँ, आराम से आपका क्रैक हो जाएगा 35. हाँ एग्जैक्टली. और पता है आपको एक चीज, अभी आज के टाइम में भी कितने सारे ऐसे 9th और 10th के बच्चे हैं जो Unacademy JEE YouTube चैनल है, Unacademy JEE, वहाँ पे JEE Live Delhi में कभी भी आप कोई भी है ना लेक्चर खोल के देख लेना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथ्स का, यू विल एक्चुअली सी इन द कमेंट्स बच्चे लिखते हैं कि मैं 9th में हूँ और मैं समझ पाया हूँ, रोटेशनल मोशन में क्लासेस में, प्लस की क्लासेस में बच्चे हैं जो 9th 10th में, एंड दे आर लाइक के सर हमने सॉल्व कर लिया, मतलब क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं सब कुछ. और बिकॉज देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चों को लगता है ना यार जब पैदा होते, ऐसे मान लीजिए मैंने एक 9th का बच्चा देखा, राइट, मुझे नहीं पता वो 9th का है. अब उसको पता है कि वो 9th का, तो उसके माइंड में बैरियर है कि मैं 9th की बुक पढ़ पाऊंगा, ठीक है, वो बैरियर आपको हटाना है. Absolutely. कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यार देखो अब बात करते हैं समथिंग दैट यू ऑल कैन रिलेट विथ, है ना. तो यार सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए होता है, लेट्स गेट इंस्पायर्ड बाय दैट, और फिर आपको समझ में आएगा कि IIT क्रैक करने के लिए क्या चाहिए. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ चाहिए बस, पैशन. और पैशन किस चीज़ के लिए वो भी बताऊँगा, पैशन टू एक्सेल होता है वो, है ना. अब देखो लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली, है ना, यू नो विराट कोहली, एवरी वन नोज विराट कोहली, एवरी वन नोज सचिन तेंदुलकर. आई मीन दीज आर दो, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को इसलिए नहीं खेला क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, दे लव्ड क्रिकेट, इट वॉज देयर फील्ड. इंस्टेड आज भी आप सबको याद होगा कितना इमोशनल सीन था जब विराट कोहली के फादर एक्सपायर हो गए थे, एंड उस टाइम पे उनका मैच चल रहा था, एंड ही एक्चुअली कंप्लीटेड हिज इनिंग्स, आई थिंक ही डिड अ सेंचुरी ऑल्सो दैट टाइम, एंड देन ही हैड टू गो देयर. आई मीन इट वॉज सच अ मोमेंट. आई मीन आप सोच रहे हो द पैशन, वहाँ पे कंट्री, द एंटायर कंट्री वॉज कि विराट, यार अब विराट जा सकता है, सब बोल सकते थे विराट को जाना चाहिए, बट विराट वॉज देयर, ही वॉज देयर, देन ही वेंट. बट यार आप ये सोचो कितना ज़्यादा हैवी होता है, कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं इन कैरिंग आउट एनी रेवोल्यूशन, इन चेंजिंग एनीथिंग. और यार ऐसे ही आइकन्स बनते हैं, ऐसे ही आइकॉन्स बनते हैं, क्योंकि यार अगर वो कुछ आइकॉनिक नहीं करेंगे तो आइकन्स नहीं कहलाएंगे, राइट. तो यू हैव टू डू,
Yes. It's not ordinary. Even to think about it, मतलब आप समझ सकते हो कि वो situation क्या हो सकती है. But experiencing it, living it is another thing. और उसमें भी ये identify करना कि मुझे क्या करना है, क्या जरूरी है, मतलब वो icons, वो वाली बात है, वो qualities वो हैं. और अब right? और अब सर, now let's talk about the very famous, very famous, very famous, very 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 famous businessman, and very 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 rich also. Very rich or and someone who indefinitely controls a lot of jobs, a lot of economies. Yes. एक बंदा, I mean, जिसने obviously Reliance को इतना बड़ा बनाया, it was Dhirubhai Ambani, his father, Mukesh Ambani, but then Mukesh Ambani also took it to another level. बिल्कुल. Another level, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी, and he today is one of the मतलब richest persons in on the planet. और price parity में he is one of the most powerful. क्योंकि कहते हैं कि आपके पास शायद ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, मतलब अगर इतने ही पैसे इंडिया में होते हैं तो price parity मतलब एक चीज़ होती है. Power versus. So yeah, he's one of the most powerful people on the planet. And that is Mukesh Ambani, who's someone who brought the Jio revolution, jiski wajah se shayad hum sab ye dekh pa rahe hain. Bilkul. Hai na, to bahut sari cheeze hoti hain. To yaar, kya ye IITian the? नहीं, ये IITian नहीं थे, बट इनमें एक जज्बा था. इनमें इंस्टेंट कितने सारे सक्सेसफुल लोग तो कॉलेज भी नहीं जाते, और क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो यार एक ही तरीके से देखते हैं, एक ही लेजर शार्प फोकस होता है, एक ही चीज़ को देखते रहते हैं और उसको हासिल करके मानते हैं. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन है और सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम है, नजरिए का फर्क है. यस. तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. द ग्लास इज हाफ फुल, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी. या तो आप क्रिप कर सकते हो या आप वो ग्लास से पानी पी सकते हो, ठीक है ना. तो ग्लास होता है. इट्स एंड देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज गॉन बिहाइंड ऑल दी सक्सेसफुल पीपल. देयर इज अ पैटर्न. डू यू वांट टू बी दिस सक्सेसफुल? व्हाट डज इट टेक टू बी सो सक्सेसफुल इन लाइफ? डज इट रियली हैव टू बी अबाउट मनी? नो, इट हैज टू ऑल्सो बी अबाउट समवन हु इज मूविंग अ मिलियन पीपल. लाइक दिस बिजनेसमैन हैज बीन चेंजिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स, बट ही इज नॉट मूव्ड यू एज अ पर्सन. आपको बस पता है हाँ यार इसने कुछ किया है. बट देन अगेन वेन यू टॉक अबाउट रोमांस, इस बंदे ने एक्चुअली कुछ नहीं किया बट तब भी कुछ सब कुछ कर दिया. द किंग ऑफ रोमांस, जिसने दिखाया वर्ल्ड को दिखाया कि यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी प्रेटी फेस. इंस्टेड जब शाहरुख खान ने स्टार्ट किया था, इनको ऐसे रोल्स मिलते थे, हीरो के रोल्स तो कभी मिलते ही नहीं थे. और इन्होंने ये हीरो कैसे बने? विलेन के रोल्स है. जब बाजीगर आई, आई मीन ही डिड सच मूवीज, और उनको उन रोल्स को इतनी अच्छी तरह किया कि भाई कैसी भी शक्ल थी ना, पसंद आने लग गई, यार ये शक्ल देखनी है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो क्या आप अपनी शक्ल को भी वैसी शक्ल बनाना चाहते हो? क्योंकि आज सब जानते हैं यार, बाला मूवी आ गई. आप कभी सोचना, बाला मूवी में कितना बताया गंजा हो जाता है इंसान, उसको बुरा लगने लग जाता है. अबे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है ना, सॉरी नॉट रॉबर्ट, गलत ले लिया मैंने, ड्वेन जो अपना द रॉक है ना, ड्वेन जॉनसन, आई मीन ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स एंड ही डजंट हैव अ सिंगल हेयर. जेसन स्टैथम, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. सो डू यू अंडरस्टैंड? वो चेहरा बदल दो सबके लिए. मतलब वो आप वैसे नहीं बदलोगे, नजरिया बदलोगे. सो दैट्स, तो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. सो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट. समवन लाइक अक्षय कुमार, हु इज रियली इंस्पायर्ड मी, है ना, हु इज रियली इंस्पायर्ड, आई मीन नॉन स्मोकिंग हुआ, पैडमैन जैसी मूवीज करना, आई मीन एंड प्रमोटिंग आयुर्वेद, आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग. मतलब टेकिंग अप सोशल इश्यूज और उनको इस तरह से प्रेजेंट करना ऑन द बिग स्क्रीन, कितने कि वो एक सोसाइटी में इंपैक्ट भी जाए. हाँ, क्योंकि आप ये सोचो ना, कि आप ये सोचो, जब देखो हम लोग एजुकेशन के बारे में इतना चीख चीख के बोलते हैं, हैशटैग जेई लाइव डेली, हैशटैग जेई लाइव डेली, रेवोल्यूशन है, पागलों की तरह सोते नहीं है रातों को, यू नो. इन्होंने जब मूवी टॉयलेट की थी, अब जस्ट इमेजिन यार कितने सारे एक्टर्स के पास. सर एक मूवी है टॉयलेट के बारे में, शौचालय के बारे में. आपको पता है 99% जनता बोलती थी कि पागल हो के यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब हम क्यों करेंगे ऐसी मूवी को. एंड हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा. हाँ, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फलेस होते हैं. आई मीन यू नो व्हाई आई एडमायर अक्षय कुमार सो मच. आई एडमायर हिम बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि जब अक्षय कुमार हैड गॉन टू द स्टेज एंड आई थिंक गजनी मूवी आई थी, और सबको पता था कि आमिर खान अवार्ड लेने नहीं जाते, तो अवार्ड वालों ने आमिर खान को दिया ही नहीं अवार्ड. और सिंगिस किंग इनकी आई थी, तो इनको अवार्ड दे दिया कि बेस्ट अवार्ड फॉर एक्टर विल गो टू सिंगिस किंग. I mean, being so humble, he went to the stage and he said, I can't take it. I saw Singhis King and I saw Ghajni and I think it is not for me. He didn't take that award. And you know what? He didn't take that one award, but he took the awards of probably a billion Indians. आप ये सोचो. तो यार त्याग में जो प्यार होता है जनता का, तो यार वो त्याग दो. और वो त्याग आप कैसे दोगे? यार उन सब चीज़ों को छोड़ के, जिससे आदमी
छल की तरफ जाता है ना, एक लालच की तरफ जाता है. उन सबको, उन सब चीज़ों को छोड़ो, एक अच्छी चीज़ करो एंड बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. मैं आपको बता रहा हूँ, IITian ड्रीम एक बहुत अच्छी ड्रीम है, उससे आप वर्ल्ड को चेंज करोगे. इंटेंशन सही होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं IIT क्रैक कर लूँगा, फिर मेरे पास IIT की डिग्री आ जाएगी, फिर मैं ना MBA कर लूँगा, है ना. नेवर डू दैट यार. अगर आपको IIT से इंजीनियरिंग करनी थी, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक. मैं IIT से ना एक मैं ना सिरेमिक्स इंजीनियरिंग करूँगा एंड उसमें मैं कुछ करूँगा, आई विल रियली इनोवेट इन दैट. कितने सारे लोग IIT में जाते हैं, आपको पता है, इट्स वेरी सैड. बोलते हैं यार हमारी ब्रांच ही बेकार है, हमारा तो प्लेसमेंट ही नहीं होता सिरेमिक्स. बट लुक एट सुंदर पिचाई. हाँ, सो सुंदर पिचाई इज नाउ द हेड ऑफ गूगल अल्फाबेट. या फ्रॉम CEO टू लिटरली द हेड. ठीक है, तो ब्रांच ये सारी चीजें अलग हैं. मतलब हमें फोकस करना है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले काबिल बनिए, उसके बाद आप चाह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा. पहले काबिलियत पैदा करने की जरूरत है. एंड ऑब्वियसली द किंग ऑफ ऑल, कोई भी रजनीकांत को देखेगा, मतलब ग्रेट 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 गाय रजनीकांत. हाँ, आई मीन ही इज ऑब्वियसली द मेगा स्टार. आई मीन बहुत सारे, सो सिंपल, सो हम्बल. मतलब आप उनको रियल लाइफ में देखेंगे, मतलब सीरियसली, ही डजंट वेयर अ विग. वो तो मूवी वाले पे ना देते हैं. ही इज समवन हु रियली लव्स हिमसेल्फ. अगर आप इनको रियल में देखोगे, पीपल लव हिम. दे लव हिम बिकॉज़ ही इज हिमसेल्फ. ही इज नॉट समवन, कितने सारे ऐसे पोर्ट्रे टू बी समवन एल्स. तो यार ये बहुत बढ़िया चीज होती है कि आप कितने ग्राउंडेड रह सकते हो. और जितने ग्राउंडेड आप रहोगे, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, सब आपके साथ रहेंगे. जितना आप उड़ोगे ना, उतने आप अकेले होगे. तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. स्टे ग्राउंडेड, स्टे ऑसम. लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट अ ग्रेट मैन हु इज नॉट नोन फॉर मनी, who's not even known for power, but he's known for his great things what he did. Kyunki he had the power on the global map. He had the power, but he didn't exercise it for the bad things. To abhi the rocket man, right, jinhone India ko ek aise platform pe ek aisi recognition dilai hai ke yes, इस इंडस्ट्री में भी, मतलब स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया का, आपको पता ही कि मतलब किस तरह के मीम्स इंडिया पे बनाए जाते थे कि जो एलीट स्पेस पावर्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, मतलब वो बहुत कुछ कर रही हैं. बट इन्होंने इंडिया को उस जगह पे लाके खड़ा किया. ही इज बीन अ ग्रेट टीचर, मोटिवेटर, अ ग्रेट पर्सन. हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं. तो एंड द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल किया इन्होंने जिंदगी में उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उस हाइट पे पहुंचने के लिए. एंड मतलब द जो इनका लास्ट डे था ऑन दिस अर्थ, उस दिन भी ये एक सेमिनार ले रहे थे. मतलब दैट वाज द लाइफ. इनका अपने कोई पोजेशन नहीं है. तो मतलब ये लोग इंस्पायर करते हैं. इन जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज, दे इंस्पायर द होल नेशन, द होल वर्ल्ड. तो इफ वी कैन लाइक एस्पायर टू समवन, यस, लाइक देम. एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आई थिंक लेट मी टेल यू समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट द अनअकैडमी JEE टीम and Unacademy team, Unacademy foundation team, we spend a lot of time with each other. आपको पता है हम एक दूसरे में इतना inspiration ढूंढते हैं, because I mean, as I keep saying, people don't know this, but the team has done immense sacrifices. आपको पता है इस team में like literally everyone keeps getting calls from great people कि सर आप यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ. Trust me, passion और motive बहुत clear होना चाहिए, और वो motive एक ही है, hashtag JEE Live Daily. एंड मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ कि कुछ बड़े ना बड़े, ये बढ़ना चाहिए. कुछ रहे ना रहे, ये रहना चाहिए. ठीक है ना. नाउ विद दिस, नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द लेडी ऑफ आयन, द लेडी विच डिफाइड एवरीथिंग, मतलब डिफाइड द लॉज ऑफ नेचर इन अ वे. आई मीन द कॉमन पर्सन, आई मीन मैरी कॉमन पे मूवी भी बनी है. आई वुड रियली रिकमेंड कि आप उस मूवी को जाके देखो, जहाँ पे इनकी शादी हुई एंड बच्चे हुए, एंड देन आफ्टर दैट शी अगेन केम बैक एंड शी वन won a gold medal, gold not medal. One, many gold medals. हाँ, तो ये आपके स्कूल वाला नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे है. Yes. Now, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकली ऑब्वियसली जब आप एक बच्चा पैदा कर देते हो, आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है. एंड ऑब्वियसली यार आपको पता है ना, बायोलॉजी चेंजेस. हाँ, बायोलॉजी चेंजेस, बट आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू फाइट, आई मीन समवन लाइक CR7, यार सबको पता है CR7 ऑल्सो फॉट फॉर हिज लाइफ, मतलब हु लव्ड फुटबॉल, जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था ही वॉज नॉट बॉर्न नॉर्मल, ही हैड अ हार्ट प्रॉब्लम, बट he today earns 700 crores in a year to play football, the game that he loves. And that's not because he's earning. Suno, wo tab hota hai jab aap apne aap ko us excellence pe le aate ho. He's the top goal scorer of the world, and these kind of people should inspire us. Kyunki yaar dekho, wo
आप जब कंपैरिजन करते हो ना, तो इनकी जर्नी भी देखा करो. कभी कभी हमें लगता है कि यार हम उस पेडेस्टल पे चले जाएंगे और बहुत आसान होगा, है ना, इट विल बी अ केक वॉक, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इंस्टेड आई वुड इंस्टेड पारस सर विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट रियली टेक्स. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन, है ना. नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, डेफिनेटली चाय वाला. एवरीवन नोज के व्हाट मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डन टू दिस कंट्री, to the youth of this country, respect. To the vision of this country, right? Or all it takes, kya kiya inhone? Selflessness ke mujhe country ke liye kaam karna hai. Apne liye nahi karna hai. Theek hai, koi chuttiyan nahi chahiye. Sir, sleeping for 4 hours. Yes. Sleeping for 4 hours, leaving the family. I mean, kitne sare log bolte hai ki he might be corrupt, he might be taking. Agar, chalo ek cheez batao. अगर ले भी रहे होंगे तो किसको दे रहे होंगे? Yes, there's no मतलब directly ही. And even जो you know real brother हैं, real जो उनके जो भी रिश्तेदार हैं immediate, मतलब they are doing the same things जो वो इतने सालों से करते आ रहे थे. कोई भी ऐसा नहीं है कि रातों रात उनका मतलब यहाँ से वहाँ हो गया मामला और कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली. तो ये लोग इंस्पायर करते हैं एंड तभी चेंज आता है सोसाइटी में. तो ये जो IITian ड्रीम है, ये किनके बारे में बात हो रही है? सारी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, ये किसके बारे में हो रही है? IITian ड्रीम इज नॉट जस्ट टू बिकम एन IITian, इट इज अबाउट बिकमिंग अ पर्सन जो चेंज ला सके. यस, आप अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में, कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, एक नया विजन दे सके नेक्स्ट जनरेशन को. वो बनना है तो आपको जस्ट एक IITian का टैग नहीं चाहिए. यू हैव टू बी लाइक दीज पीपल समवे, मतलब वो एक उम्मीद तो होनी चाहिए. एंड कैन आई गेट 100 लाइक्स राइट नाउ बच्चों, इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स आई कैन सी क्वाइट अ लॉट ऑफ यू वाचिंग. कैन आई गेट 100 लाइक्स राइट नाउ अभी के अभी? इट विल रियली एनकरेज आवर एंटायर टीम. तो यार अब एक और चीज, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, एंड अनअकैडमी जेई को भी जाके सब्सक्राइब कर लो. बिकॉज अगर आप IIT जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू शुड गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल. और अब हम बताएंगे कि क्या वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आपको क्या त्याग देना है. मैं आपको बताता हूँ आपको क्या त्याग देना है. आपको बस एक ही चीज त्यागनी है, अपना थोड़ा सा फ्री टाइम. एंड दैट्स द ओनली थिंग आई एम आस्किंग यू फॉर. एंड ट्रस्ट मी बच्चों, 4 years डाउन द लाइन यू विल थैंक मी. यू विल थैंक मी एंड प्रोबेबली यू विल ऑल्सो बी इन अ मच बिगर सेमिनार लाइक दिस. एंड थैंकिंग योरसेल्फ ऑल्सो. यस, एंड प्लीज वहां पे बस एक ही चीज करना, मेंशन कर देना. मेंशन किस चीज का करना? इस रेवोल्यूशन का करना. हमारा मत करना, बट इस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का करना. और यार अगर आपने ये कराना तो उस दिन एक मुस्कुराहट होगी. शायद वो दिन 10 साल बाद आए, शायद वो दिन 15 साल बाद आए, बट जब वो दिन आएगा ना यार, एक खुशी होगी, एक मतलब एक वो होगा, मतलब एक रिग्रेट कभी नहीं होगा. क्योंकि यार मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें बहुत परिश्रम गया है. हर दिन जाता है, हर दिन जाता है. इंस्टेड एग्जैक्टली नेवर, इट्स नेवर इजी जर्नी. यस, एंटायर डे, मतलब सुबह से लेके रात तक क्रिएटिंग द बेस्ट sort of education which is possible. And हमारा हमारा उद्देश्य ये रहता है, ये नहीं रहता कि आज इलास्टिसिटी पढ़ानी है. ये रहता है कि यार आज इलास्टिसिटी ऐसे पढ़ानी है जैसे कभी नहीं पढ़ाई गई है. बिल्कुल. And that is the main motive that goes behind anything. And getting better every day, every time. Yes. So guys, now let's jump into success and how. So there is no, like I said, there is no one thing about it. There is one thing which you should always run after, है ना? And that is excellence. एक्सीलेंस कैसे आती है? जब आप में डिसिप्लिन हो, आप डेली एक चीज को करते हो और एक ही चीज को देखते हो कि यार इस चीज में एक्सेल करना है, बेटर होना है. यू आर गुड एट इट. ओके, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 यू आर एट 7, द नेक्स्ट डे यू आर एट 7.1, 7.2, 7.3. इट्स नॉट, अब ये मत सोचना कि जब बेटर एवरी डे, इवन बाय अ स्मॉल मार्जिन, थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट लाइए, पर इंप्रूवमेंट की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ कभी नहीं जाना है. हाँ, ठीक है, वो बहुत जरूरी है. और भाई इसको ना, इस यू शुड लिटरली हेट दिस वर्ड. यू शुड हेट टू थिंग्स. वन इज आई कैन नॉट, द सेकंड थिंग इज इट्स मीडियोकर. आई एम मीडियोकर, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. मीडियोकर शब्द से आपको नफरत होनी चाहिए. मीडियोकर नहीं बनना है. बिकॉज मीडियोकर अगर आप हो, यू आर नॉट ब्रिंगिंग अ चेंज. ह्यूमैनिटी आगे कभी मीडियोक्रेसी से नहीं जाती है, इंस्टेड पीछे ही जाती है. मीडियोकर नहीं बनना है, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको कभी भी लाइफ में मीडियोकर नहीं बनना है. हेट दैट वर्ड. एंड दैट इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो लर्न्ड फ्रॉम सो मेनी टॉपर्स. जितने सारे टॉपर्स हमने निकाले हैं, हमने बात की है, वी हैव रियलाइज्ड वन थिंग. एक कॉमन ट्रेट थी बच्चों, और ये भी मुझे तब पता चला था. इट वॉज माई सेकेंड ईयर ऑफ टीचिंग एंड आई रियलाइज कि टॉपर्स, मतलब दे डोंट से इट, बट यू अंडरस्टैंड कि दे जस्ट हैड वन फियर. द फियर वॉज नॉट टू फेल, बट द फियर वॉज फेल से एक स्टेप पहले, बींग मीडियोकर. ठीक है, मीडियोकर भी पास होता है. सो नो दिस. ठीक है, डेफिनेटली.
सो डेफिनेटली सिंगल माइंडेड होना मतलब आप टोटली एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. तभी मतलब एक जगह पे अगर लाइट जाएगी तभी बेटा आग लगेगी, ठीक है, स्कैटर्ड रहेगा आपका फोकस तब वो काम नहीं हो पाएगा, राइट. तो बच्चों फाइनली द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल इज हाफ अ मिलियन, मोर देन हाफ अ मिलियन सब्सक्राइबर्स. And एक मिनट, mark my words, in the next 2.5 months to 3 months, yes, this is going to be a million students. 1 million. और आपको पता है IITian कितने लोग देते हैं? पर कौन लेके जाएगा? सर, IITian कितने लोग देते हैं उससे पहले? IITian मतलब more than a million. हाँ, close to a million. 12 लाख, 13 लाख. आपको पता है, very safely I can say 50 million views हुए हैं 5 महीने में. बिल्कुल. Very safely I can say हर बच्चा जो IIT देने वाला है, हर बच्चा जो IIT देने वाला है इस साल, है ना, उसमें से आधे लोगों ने, मतलब ये मैं बहुत ही मिनिमम फिगर बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, आधे बच्चों उन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे. और कोटा के 90% बच्चों ने, 90% ज्यादा बोल दिया, बट 80% प्लस फॉर श्योर, क्योंकि वहां पे हॉस्टल्स में चलता है. मेरे मतलब आई हैव डन कंप्लीट रिसर्च, आई हैव बीन देयर आल्सो, वहां पे जेई लाइव डेली चलता है. बिल्कुल, ठीक है ना. So I had been to 2-3 hostels. बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं, सर हम इस कोचिंग से हैं, सर उस कोचिंग से हैं, सर वहाँ पर समझ नहीं आया, रात को आके आपके लेक्चर देख रहे हैं. Instead, I still remember NLM का लेक्चर चल रहा था, और NLM के लेक्चर के बाद एक कमेंट पढ़ा था मैंने, जब मैंने लिया तो उसमें था कि सर मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था आज कोचिंग में, और ना मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे पता था कि नमो सर एक मेथड लाएंगे, इंस्टेड मैंने 3 मेथड बताए थे उसके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अनअकैडमी जेई डज, ठीक है ना. तो यार, तो गाइज ये सब्सक्राइबर काउंट आपको बढ़ाना है जल्दी से जल्दी, और इस रेवोल्यूशन को आगे लेके जाना है जितना आप स्प्रेड कर सकते हो, जितने लोगों को बता सकते हो, और आप खुद भी जुड़ना है इसके साथ, ठीक है. एंड फाइनली, बिकॉज अभी आप 9th class में हो, 10th class में हो, तो अभी से एक चीज दिमाग में ठान लो कि हमें कुछ बड़ा करना है, ठीक है. ये मत बोलो कि सिर्फ IIT करना है, नहीं, बड़ा करना है, इवन बिगर देन दैट, IIT से भी बहुत बड़ा करना है, राइट. एंड टू हेल्प यू रीच देयर, वहां पर वो आप अकम्पलिश करें वो चीज, तो उसके लिए अनअकैडमी का अनअकैडमी जेई प्लेटफॉर्म जो है, जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको डेली विद अमेजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, बट अनअकैडमी का एक और प्लेटफॉर्म भी, दैट इज अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म. इट इज लाइक इट इज अ सब्सक्रिप्शन. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि सर मेरे को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं अगले साल लूं? नहीं, क्यों? मैं आज लूंगा. यू शुड हैव इट. इसमें आप देखो, right. आप कोर्स नहीं खरीदते, आप टाइम खरीदते हो. बिल्कुल. तो बेसिकली आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है. और आपको बताता हूँ कि वो महाशय, वो लाइक द वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द नहीं दी बेस्ट टीचर, इंस्टेड आप देख सकते हो जाके, कॉमेंट्स पढ़िए, समीर चिंचोलिकर सर, हु हैज मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. इन्होंने IIT क्रैक किया था, IIT रुड़की से, एंड ही इज वन टीचर हु हैज बीन द टीचर ऑफ टीचर्स. ये हमेशा अपने डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, एडटेक में भी इनका काफी योगदान रह चुका है. एंड समीर सर इज समवन हु इज नॉट जस्ट द रॉक स्टार ऑफ मैथमेटिक्स, इनके IIT पहुंचने में भी इन सब का बहुत योगदान होगा. यस, तो गाइज चलिए वेलकम करते हैं समीर सर को. तो समीर सर इज द वन हु विल बी टीचिंग यू, ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे IIT के लिए. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी बच्चे मेरे ख्याल से मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं और आगे चल के मैथ्स में कुछ बढ़िया यहाँ पे कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आई गेस ये तो लगता ही होगा कि यार बढ़िया वाले अगर यहाँ पे हमें कंटेंट मिल जाए, अगर जल्दी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है. सो यू गाइज कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट, यहाँ पे आपको क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अटेंडिंग ऑल द कोर्सेज, ठीक है. यहाँ पर आप जो JEE का सिलेबस है अभी से यहाँ पे फोकस में रखो, अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट करो. आई गेस दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू गाइज, है ना, क्योंकि पे आगे चल के आपकी जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होती है, RMO हो गई, KVPY हो गई, उसके अंदर आपको अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिलता है, ठीक है. ऑलराइट, सो पारस सर विल कंटिन्यू विथ. यस, सो गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है ये सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन क्या होता है? Yes. कि मेरे को ऐसा नहीं है कि अब तक कोचिंग का माइंड में दिमाग क्या होता था, 11th में ज्वाइन करते हैं, 11th में नहीं हुआ तो 12th में ज्वाइन करते हैं, साल वाली बात नहीं. आज से अगर मूड बन गया ना कि पढ़ना है, आज ज्वाइन करो. 60 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स और हमारी पूरी टीम अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, तो आपको घर बैठ के लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलती हैं, टाइम आपका बचता है, एनर्जी आपकी बचती है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप क्वेश्चन का फोटो लेकर अपलोड कर दो लाइव सेशन में,
डिस्कस हो जाएगा। और आज ही मैं जो क्लास ले रहा था आई गेस उन बच्चों की थी जो अभी अगले महीने एडवांस सॉरी मेंस देने वाले हैं, ठीक है। yes, और उस क्लास में एक बच्चा आके पूछ रहा था कि सर यहाँ पे 11th में कब से पढ़ना स्टार्ट करूँ, मैं अभी 10th में हूँ, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ पर बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अच्छे तरीके से यूज कैसे किया जा सकता है। अर्ली स्टार्टर्स विल ऑलवेज हैव सम एडवांटेज। बिल्कुल, आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप बाकी के बच्चे जब स्टार्ट करेंगे तब तक आप ऑलरेडी उनसे 3-4 कदम आगे हो गए। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टाइम। टाइम ही सब कुछ है। इंस्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप 11th और 12th में पढ़ाई करते हो तो 11th और 12th में जो पढ़ाई करते हैं उनकी रैंक मैक्सिमम 3 डिजिट या 2 डिजिट तब आती है जब उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रिल किया होता है। बट आपको पता है जो सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स होती हैं, आई हैव सीन इट ओवर 10 ईयर्स, पता है 4 साल के लिए वो 9th से प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। देखो 8th तक आप मजे कर सकते हो बट 9th में और इससे आपका ना NTSC भी क्लियर होगा, STSC भी क्लियर होगा, इससे आपका KVPY भी क्लियर हो जाता है ऐसे बच्चों का, क्योंकि वो पहले से कर रखे होते हैं। फिर सेकंड टाइम वो गलियां देखी हुई होती हैं तो इट इज वेरी फेमिलियर, एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है और वो कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझ ने पूजा प्लस के बाद कोचिंग नहीं चाहिए बेटा, प्लस इज वे बेटर देन कोचिंग। 60+ एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स, कोटा वाले भी हैं, साउथ के भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं, नॉर्थ से हैं, हमारी पूरी टीम है, हमने इतनी जगह पढ़ा दिया, इतने अच्छे अच्छे बैचेस पढ़ाए, इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो कोचिंग में आपको वन सेट ऑफ फैकल्टी मिल रही है, यहाँ पर आपको इतनी वैरायटी मिल रही है कि आपको लग रहा है कि मैं 4 लोगों से केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर से मैथ पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ो, एक से आप थ्योरी पढ़ो, वो सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे कोर्स चला रहे हैं, मैं वो भी अटेंड करूंगा। अरे वो सर रिवीजन भी करवा रहे हैं, बाद में वो अटेंड करूंगा। तो इट्स लाइक कि मुझे जो करना है ना मैं वो अटेंड करूंगा। कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि बेटा ये बैच है, बैठ जाओ, यही चल रहा है, यही देखना पड़ेगा। नो, मैं डिसाइड करूंगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIT में सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बेस्ट एजुकेटर्स, अगर आपके पास वो 3 बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनका आपको समझ में आ रहा है, और ये मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में 3 टीचर्स का बेस्ट होना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और मैं आपको ये प्रॉब्लम रहती है, हाँ नहीं, क्योंकि बैचेस चेंज होते रहते हैं। सर वही मैं बताता रहता हूँ ना, आई कीप सेइंग दिस, यार आप खुद सोचो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। एक तो पहली बात, टॉप टीचर्स अगर आप देखोगे गिनती के हैं, है ना, गिनती के हैं जेई में, एंड अनअकैडमी पे वैसे बहुत सारे हैं। सो वी इंश्योर दैट कोटा के जो HODs हैं, इंडिया की टॉप टीम जो अलग अलग जगह से है ना, जो यहाँ पे अनअकैडमी जेई पे भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, आई थिंक मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड आप जाके देख सकते हो, आई मीन यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड कंपेयर, क्योंकि यार ऐसा बहुत बार होता है। द बेस्ट थिंग, कंपेयर करो, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करो। इंस्टेड आई मीन वी कॉल इट द चैलेंज, जस्ट अटेंड एनी वन क्लास, जस्ट अटेंड एनी वन क्लास एंड यू विल जस्ट नो You will not for sure. Definitely. तो मतलब there are lot of things के plus कर बच्चे पूछे सर plus क्यों? Plus पे आप directly interact कर रहे हो chat के through, ठीक है। तो आपको अगर मैं कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, इमीडिएटली बच्चा बोलता है सर इसमें अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, वहीं वो चीज़ डिस्कस हो जाती है। इवन लाइव क्लास में टीचर हर एक बच्चे का ओपिनियन नहीं पूछ सकता, उसका डाउट नहीं ले सकता, यहाँ पर ले सकते हैं। फोटो खींचा, क्वेश्चन अपलोड कर दिया, पोल कर लिया, पोल से पता लग गया यार इतने बच्चे हैं, कितनी परसेंटेज ने सही आंसर दिया, कितनी परसेंटेज ने गलत दिया, और कितनी जल्दी आंसर दिया हुआ है। ये सारे फीचर्स घर बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंटरनेट है, देख लो लेक्चर। लाइव लेक्चर मिस कर दिया, बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन देख लो, रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, कभी भी रिविजन करने का मन किया वापस जाके रिकॉर्डेड सेशन देख लो, DPPs आपको मिल रही हैं, क्लास नोट्स आपके सेव हो रहे हैं, और क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें सुनकर लग रहा होगा सर ये तो आपने बिल्कुल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बता दी है ना, कि सर ये तो सारी फैसिलिटी आपने दे दी यहाँ पे, आपकी क्लासेस बिल्कुल यहाँ पे टीचर के साथ में इंटरेक्शन भी हो पा रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाती है बाद में रिविजन के लिए, उसके बाद में पिक लेके आप अपने डाउट अपलोड करते हो, टीचर यहाँ पे बैंगलोर में बैठा है, आप वहाँ पे दिल्ली में बैठे हो, और यहाँ पे आपको टीचर डाउट क्लियर करके दे रहे हैं। तो ये बच्चों यही एक्चुअली फ्यूचर है, ठीक है, आगे चल के पढ़ाई ऐसे ही होने वाली है। यू आर ऑल्सो द फ्यूचर। यहाँ पर आपको भी मेरे ख्याल से ये यकीन हो गया होगा कि यार आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक चीज को चेंज कर रही है, ठीक है। सो एजुकेशन को चेंज क्यों नहीं करना चाहिए, एजुकेशन भी चेंज हो रहा है, और इसी तरह से बच्चों आगे भी आपकी पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। आगे चल के ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉलेजेस में भी आपको देखने को मिलेगा जल्द से जल्द कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही अपना जो हायर डिग्रीज हैं वो लेने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया एक आपको विजिबिलिटी मिली है कि यार ऐसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब एग्जिस्ट करते हैं अनअकैडमी प्लस जैसे, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे फ्यूचर जैसी
फील होने वाली टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी आज की डेट में मिलना स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो आई गेस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते हैं अबाउट कि यार ये जो आप फैसिलिटीज हैं वो कैसे आप अवेल कर सकते हो. ठीक है, सो आई गेस जो मतलब ये जनरल है कि मल्टीपल 150 से ज्यादा कोर्सेज चल रहे हैं. बैच कोर्सेज भी हैं, इंडिविजुअल टीचर्स के अलग अलग कोर्सेज भी हैं. राइट, जो चूज करना है करो, जितने देखने देखो. करना क्या उसके लिए, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए. इट्स अ टॉप ट्रेंडिंग ऐप. इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे वहां पर प्लस लिखा होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे. प्लस पे क्लिक करने के बाद सेकंड पूछेगा चूज योर गोल. तो वहां पर क्योंकि अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की या मे बी नीट की, तो आप आईआईटी जे या नीट वहां पर चूज करेंगे टारगेट में. ठीक है, और अगर कोई बच्चा एट्थ में वो बोल रहा है कि मुझे अभी फाउंडेशन एनटीएससी की तैयारी करनी है, तो आप फाउंडेशन एनटीएससी वहां पर कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. तो बच्चों जैसे कि जेई के लिए 1 मंथ से लेकर 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन आपके पास है और ये आपकी प्राइसिंग है. मतलब अगर आप टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट देखें तो वो एक एक साल का 1.5 से 2 लाख तक चार्ज करते हैं, बट यहां पर आपको 1 ईयर की कॉस्ट कितनी है, 30,000. 60 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं, घर पे बैठना है, ट्रेवल का टाइम आपका बचता है, और 1 ईयर का 30,000 का 2 ईयर का 48,000 है. उस पर इफ यू अप्लाई द कोड लाइव जेई यू गेट 10% डिस्काउंट, इट फर्दर कम्स डाउन. राइट, तो इतने में आपको इतना कुछ मिल रहा है कि जितने में बच्चे टेस्ट सीरीज और मटेरियल खरीदते हैं उतने में आपको सब कुछ मिल गया. टेस्ट सीरीज भी मिल गई, डाउट सेशन मिल गए, टॉप एजुकेटर्स मिल गए, वैरायटी मिल गई, घर बैठे कंटेंट मिल गया, रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल गया. ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी 10th में प्लान कर रहा है कि मेरे को अभी स्टार्ट कर देना है, नाउ इज द टाइम. ये मत सोचना मैं 11th में हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा. जब स्कूल्स लग जाएंगे, सभी बच्चे मोमेंटम में आ जाएंगे, स्कूल का होमवर्क अलग से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब ऑब्वियसली प्रेपरेशन उस टाइम पैरेलल करना मुश्किल होता है क्योंकि फिर स्पीड पकड़ लेता है सिलेबस. राइट, फिर स्कूल में एग्जाम लगेंगे, बहुत सारी चीजें. जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है. तो उससे पहले कि स्कूल स्टार्ट हो 2-3 चैप्टर्स पढ़ के निपटा दो. स्टेइंग अहेड इज द मंत्रा फॉर विनिंग. आगे नहीं निकले स्टार्टिंग में तो बाद में तो निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाद में भीड़ बहुत हो जाएगी. राइट, तो बाकी जो बच्चे अनअकैडमी जेई पे अभी तक नहीं पहुंचे, बेटा अनअकैडमी जेई पे 11th की क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 to 10 PM लाइव चलती हैं. 12th की क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे 7 to 10 PM लाइव चलती हैं. टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पे, टेलीग्राम ऐप, और उस पे जाके ब्राउजर ओपन करके आपको टाइप करना है tinyurl.com/jlivechat. तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, 27,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ क्लासेस, नोट्स, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं. ठीक है, तो फाइनली सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, अनअकैडमी जेई चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल. राइट, तो शेयर दिस लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, #jlivedaily के साथ. दीज आर द इंस्टाग्राम हैंडल्स, तो हमारी पूरी टीम को आप टैग भी कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाले हैं. तो दैट्स ऑल गाइज, होप टू सी यू सून. जल्दी से जल्दी आपको प्लस पे देखते हैं कि आपकी तैयारी स्टार्ट करवाते हैं और IITian ड्रीम को आगे लेके जाते हैं. तो लेट अस नो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा. और काफी बच्चे पूछ रहे थे MIT के बारे में, बेटा उसके बारे में अलग से बात करेंगे. SAT के थ्रू वो आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली बेसिक पार्ट वो ये कि साइंस तो पढ़नी है. ठीक है, तो ये प्रेपरेशन तो आपको स्टार्ट करनी है, फिर मल्टीपल एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करना, और जिसमें अच्छा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं. चलिए गाइस, थैंक यू फॉर दिस लवली अटेंडेंस टुडे. बेस्ट ऑफ लक for the IITian dream. Bye.